हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिवन। तो देखिए, हम लोग कर रहे हैं क्लास नाइन्थ, जो आपकी अभी स्कूलों में बुक चल रही है, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा। तो राजस्थान जी के जहाँ भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आपको इन बुक से गुजरना ही पड़ेगा, आपको ये किताबें पढ़नी ही पड़ेंगी। आज नहीं तो कल आप वापस इन किताबों को पढ़ेंगे। तो इसके लिए समय रहते ही आप इन किताबों को पढ़िए, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। एग्जाम में क्वेश्चन जो है हूबहू इन्हीं बुक से उठकर जो है वो आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और चैप्टर पढ़ने के बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं, जिससे कि आपके और भी डाउट क्लियर होते हैं, याद करने के लिए मैटर आपको मिल जाता है। तो हम लोग कर रहे हैं फोर्थ चैप्टर, राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन। तो मेर विद्रोह हमने कर लिया था, भील विद्रोह हमने किया, जिसमें हमने गोविंद गिरी के बारे में पढ़ा था कि गोविंद गिरी जो कि भगत जो पंत है उसके प्रणेता भी या फिर प्रतिपादक जो है वो भी कहे जाते हैं, ठीक है। और जिन्होंने मानगढ़ धाम पर जो है भीलों को बुलाया था और वहाँ पर जो है सभा का आयोजन किया था, ठीक है। और 17 नवंबर 1913 को जो था अंग्रेजी फौज जो थी उसने मानगढ़ की पहाड़ी पर जो है आक्रमण किया था, और काफ़ी लंबे समय तक जो है भीड़ वहाँ टिक नहीं पाए थे, क्योंकि उनके पास कोई हथियार वगैरह नहीं थे और अंग्रेजों के पास जो है बहुत सारे आधुनिक हथियार भी थे। बहुत सारे भील जो है वो मारे जाते हैं। हमने देखा कि गोविंद गिरी और पूंजिया जो है उनको बंदी भी बना लिया जाता है इस आंदोलन में, ठीक है। और गोविंद गिरी जो है जो कि जेल में रहते हैं आजीवन कारावास के लिए, लेकिन लोगों में वो इतने ज़्यादा लोकप्रिय हो जाते हैं कि उनकी जो सज़ा है वो 10 वर्ष की सज़ा में बदल दी जाती है, लेकिन 7 वर्ष के बाद ही उनको रिहा भी कर दिया जाता है। उस एरिया में वो कदम ना रखें, इसलिए ये शर्त पर उनको रिहा किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से भीलों में आंदोलन तो बहुत तेज गति से बढ़ा था और यहाँ पर भी उसका दमन जो है वो किया गया। अब चलिए हम देखते हैं कि मेवाड़ में जो है उदयपुर राज्य में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आंदोलन होता है, ठीक है। तो मेवाड़ में मोतीलाल तेजावत जो कि एक ही आंदोलन के प्रणेता कहे जाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। जिस तरीके से हमने देखा गोविंद गिरी के बारे में, उसी तरीके से मोतीलाल तेजावत के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें समझनी है। असहयोग आंदोलन की जागृति के प्रभाव में 1921 में मेवाड़ और अन्य राज्यों के भीलों और गिरासियों ने मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आंदोलन छेड़ा। मोतीलाल तेजावत जो हैं उदयपुर राज्य के झाड़ोल ठिकाने के अंतर्गत कोलियारी गांव के निवासी और ओस बालवनिया जाति के थे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि आपके रीट जैसे एग्जाम में पूछी जाती है, चाहे वो आपका जो पात्रता परीक्षा के बाद जो आपकी मुख्य परीक्षा ली जाएगी वहां पर भी इसी तरीके के क्वेश्चन आपके आएंगे। उन्होंने कुछ समय झाड़ोल ठिकाने के कामदार के रूप में भी कार्य किया। इसी दौरान वह इस ठिकाने के भीलों के संपर्क में आए। झाड़ोल के जागीरदार के साथ कुछ मतभेद हो जाने के कारण उन्होंने ठिकाने की नौकरी छोड़कर परचून का व्यवसाय आरंभ किया। वह भील क्षेत्रों में घूम घूम कर मिर्च मसाला आदि बेचते थे और पोसीना ठिकाने में सामलिया नामक स्थान पर लगने वाले चित्रे विचित्रे के मेले में नियमित रूप से दुकान लगाते थे। अतः अपने व्यापार के माध्यम से वह उदयपुर राज्य के भीलों के अत्यधिक निकट में संपर्क में आए। तो देखिए, वो बनिया जाति के थे, ठीक है। तो झाड़ोल ठिकाने के कामदार के रूप में उन्होंने सबसे पहले कार्य किया था और उसके बाद यहाँ से जो है इन्होंने ठिकाने से जो है नौकरी जो है वो छोड़ दी और परचून का जो है काम किया और भील क्षेत्रों में घूम घूम कर मिर्च मसाला जो है वो बेचना भी प्रारंभ किया था, ठीक है। कई जो जगह जो है उन्होंने दुकानें भी लगाई थी। तो इस तरह से उदयपुर राज्य के जो भील थे उनके संपर्क में ये आते हैं। मोतीलाल तेजावत की समाज सुधार की गतिविधियों ने उन्हें भीलों के मध्य काफी लोकप्रिय बना दिया। इन उपदेशों के साथ उन्होंने आदिवासियों का एक ही आंदोलन भी आरंभ किया, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है बहुत, एक ही आंदोलन जो है किसने आरंभ किया, मोतीलाल तेजावत ने। एक ही आंदोलन का उद्देश्य राज्यों और जागीरदार द्वारा किए जाने वाले भीलों पर सभी प्रकार के शोषण के विरुद्ध संयुक्त रूप से विरोध करना था। तो इसका उद्देश्य क्या था कि जो भी भीलों पर जो शोषण किया जा रहा है उसके विरुद्ध संयुक्त रूप से विरोध करना। तो जहां पर हमने देखा था गोविंद गिरी जिन्होंने भीलों को जो है प्रोत्साहित किया कि अपने हक के लिए लड़ो, लेकिन वहां पर जो है उस चीज को दबा दिया गया। उसके बाद जो है यहाँ पर अब दोबारा से जो नेतृत्वकर्ता आते हैं मोतीलाल तेजावत, तो ये भी भीलों को बताते हैं कि तुम्हारे ऊपर जो शोषण हो रहा है
उसके विरोध में खड़े हो। मोतीलाल तेजावत की गतिविधियां तो जाडोल झाडोल जागीर तक ही सीमित थी, किंतु उनका प्रभाव अन्य भील क्षेत्रों में तीव्र गति से फैल रहा था। उनके बढ़ते हुए प्रभाव से सत्ताधारियों का चिंतित होना स्वाभाविक था, अतः सत्ताधारियों ने इसे एक चुनौती के रूप में लेते हुए भीलों पर जुल्म करने के कठोरतम कदम उठाए। इसी दौरान तेजावत विजय सिंह पथिक और अन्य नेताओं से मिले। तो देखिए ये लाइन जो है वो इम्पोर्टेंट है कि मोतीलाल तेजावत जब उदयपुर राज्य में वहां पर जो है एक ही आंदोलन आरंभ करते हैं, भीलों के संपर्क में आते हैं, तो वहां पर विजय सिंह पथिक जो हैं इनसे भी इनकी मुलाकात होती है। अन्य नेताओं से भी ये मिले, उनके साथ विचार विमर्श करके भीलों की समस्या के समाधान हेतु जो है कार्यक्रम तैयार किया। वह असहयोग आंदोलन से बहुत प्रभावित हुए। अब असहयोग आंदोलन 1920 के लगभग जो है होता है, तो वह भीलों का ऐसा ही आंदोलन जो है छेड़ना चाहते थे। तो असहयोग आंदोलन और बिजोलिया आंदोलन, इन दोनों से ही प्रेरणा लेते हैं मोतीलाल तेजावत। इस समय तक बिजोलिया किसान आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था। तो हमने देखिए जब बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ा था, तो हमने देखा कि 1920 में जब भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो असहयोग आंदोलन होता है, तो उस समय जो है वहां से भी प्रेरणा बिजोलिया किसान आंदोलन भी लेता है। 1921 में वो भयंकर रूप जो है धारण कर लेता है, जिसने तेजावत को भी उत्साहित किया। जब उसे बिजोलिया के नेताओं से समर्थन का आश्वासन मिल गया, तो उसने अपने कार्यक्रम को अंतिम रूप प्रदान किया कि हम जो है जैसे बिजोलिया में आंदोलन हुआ था, उसी तरीके से हम यहाँ पर भी आंदोलन करेंगे। तो यहाँ पर बिजोलिया के नेताओं से जो है समर्थन मिल जाता है। और जुलाई 1921 में उन्होंने, किसने, मोतीलाल तेजावत ने भीलों का करबंदी सहित असहयोग आंदोलन आरंभ कर दिया। तो यहां पर भी असहयोग आंदोलन के साथ में करबंदी, यानी कर ना देना, कर हम नहीं देंगे, जो भीलों से कर जबरन जो है वो लिया जाता था, ठीक है, तो ये आंदोलन प्रारंभ कर दिया। झाडोल का शासक या सामंत इस स्थिति में चिंतित हो गया था, और स्थिति को नियंत्रण में लाने के ध्येय से उसने 19 अगस्त 1921 को मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार कर लिया। तो लगभग एक महीने बाद ही ये जो है काम किया गया, स्थिति को नियंत्रण करने के लिए वहां का जो शासक था झाडोल का, तो उसने मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार कर लिया। तेजावत की गिरफ्तारी ने भीलों को और अधिक उत्तेजित कर दिया। अपने नेता को मुक्त कराने के लिए हजारों भील जो है एकत्रित हो गए। भीलों के भारी जमावड़े ने तेजावत को मुक्त करने हेतु ठाकुर को जो है बाध्य कर दिया। अब तो ठाकुर को जो है इनको छोड़ना ही पड़ेगा। तेजावत ने अपना आंदोलन और भी तीव्र कर दिया। दिसंबर 1921 तक उदयपुर राज्य में किसान और आदिवासी आंदोलन के कारण एक विस्फोटक स्थिति जो है उत्पन्न हो गई। तो यहाँ पर बिजोलिया, ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन और दूसरा ये एक ही आंदोलन, तो यहाँ पर दोनों ही साथ में ये स्थिति जो है उत्पन्न हो जाती है। बिजोलिया किसान आंदोलन का अंत जो है यहाँ पर होने वाला था, ठीक है, और हमें पता है कि 1941 के लगभग जो है बिजोलिया किसान आंदोलन जो है उसकी समाप्ति हो जाती है, ठीक है, और इसी वक्त जो है 1921 में ही मोतीलाल तेजावत जो है एक ही आंदोलन को चला रहे थे। भील आंदोलन के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए ब्रिटिश अधिकारियों ने 1 जनवरी 1922 को भीलों को कुछ छूट देने का निर्णय लिया। तदनुसार जागीरदारों को सलाह दी गई कि आंदोलन के परिणाम स्वरूप राज्य का यह निर्णय समर्पण का सूचक था, जिसने भीलों की इच्छा शक्ति को और अधिक बढ़ा दिया। तो यहाँ पर 1 जनवरी 1922 को भीलों को जो है कुछ छूट जो है जो दे दी जाएगी, ठीक है, जिससे कि वो शांत हो जाए। आंदोलन के परिणाम स्वरूप राज्य का यह निर्णय समर्पण का सूचक था, जिसने भीलों की इच्छा शक्ति को और अधिक बढ़ा दिया कि हमने जो है इतना अच्छे तरीके से एकजुट होकर जो है ये आंदोलन किया है, जब ये हमारी इतनी सी मांगे मान रहे हैं, तो हम और भी ज्यादा अगर उग्र रूप धारण कर लें तो ये लोग बिल्कुल झुक जाएंगे। जनवरी 1922 में मोतीलाल तेजावत ने सिरोही राज्य में प्रवेश किया, जहां भारी संख्या में भील और गिरासिया आदिवासी रहते थे। वे उदयपुर के आंदोलन से बहुत प्रभावित थे और सिरोही में ऐसा ही आंदोलन छेड़ना चाहते थे। अब एक एक करके जो है इन आदिवासियों को भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलने लगी एक दूसरे को देखकर।
वास्तव में मोतीलाल तेजावत उदयपुर राज्य के भय से उदयपुर से भागकर सिरोही नहीं गए थे, बल्कि उन्हें सिरोही के भीलों और गरासियों ने अपने मार्गदर्शन हेतु जो है आमंत्रित किया था, बुलाया था उनको कि जिस तरीके से उदयपुर राज्य में भीलों की मांगे मान ली गई हैं, तो हमारी भी मांगे मान ली जाएंगी, तो हमें जो है इनके नेतृत्व में कार्य करना पड़ेगा। इस समय तक उन्हें यह भी पूरा भरोसा हो गया कि उदयपुर में उनके अनुयायी और उनकी अनुपस्थिति में आंदोलन चलाने में सक्षम थे। सिरोही राज्य मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आदिवासी आंदोलन का दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र बना। पहला जो है कौन सा बना? उदयपुर, और उसके बाद सिरोही। सिरोही राज्य में भी आदिवासियों की जीवन दशाएं मेवाड़ राज्य के भीलों के ही समान थी। सन 1922 में तेजावत ने सिरोही राज्य में आदिवासियों में प्रवेश किया। यहाँ भी उन्होंने उदयपुर के भीलों की पद्धति पर गिरासिया आदिवासियों में समाज सुधार के जो है कार्य प्रारंभ किए। उसने गिरासियों के उत्थान हेतु समाज सुधार के साथ साथ एक आर्थिक संघर्ष भी प्रारंभ किया। जनवरी 1922 में तेजावत ने भ्रमण करते हुए भीलों और गिरासियों की अनेक सभाएं की। उन्हें करबंदी और राज्य के साथ असहयोग हेतु खुला आह्वान किया। तो देखिए, ये जो चीजें जो है अभी आपको ऐसे लगते हैं कि हम जो है इतना सारा कैसे लर्न करेंगे, इतनी सारी लाइनें कैसे याद करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट लाइन एग्जाम में आने वाली होती है वो तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर के माध्यम से करवाऊंगी, फिर मैं आप लोगों के जो है पहले जो है क्लास वाइज टेस्ट लूंगी, फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट लूंगी, तो ये सारी चीजें आपको याद होती जाएंगी। जिस तरीके से स्कूल में बच्चे जो है जिनको पढ़ाया जाता है और उसके बाद जो है उनके छोटे छोटे टेस्ट लिए जाते हैं, क्लास टेस्ट, तो जिस वजह से वो पक्के हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि आप लोग जो है तैयारी जो है वो एकदम जम के करिए, अच्छे से करिए, ताकि आपका कोई भी कंपटीशन एग्जाम जिसमें आप पीछे ना रह सकें। ठीक है, आप अपना काम करते चलिए, बाकी जो जो भी सिचुएशन होती है वो उसके अकॉर्डिंग बाद में होती रहेगी। आपका काम केवल क्या है? पढ़ना, क्योंकि पढ़ने के अलावा जो है वो आप लोग यदि इधर उधर दिमाग लगाएंगे तो उसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। 11 फरवरी 1922 को कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था और ब्रिटिश अधिकारियों ने संपूर्ण भारत में किसान और आदिवासी आंदोलनों को सख्ती पूर्वक कुचलने की नीति बनाई। दीवान रमाकांत मालवीय ने गांधी, पथिक और राजस्थान सेवा संघ के नेताओं की सहायता से सिरोही के आदिवासी आंदोलन को समाप्त करने के प्रयास किए थे, किंतु अपने प्रयासों की असफलता से झुंझलाकर गिरासियों के मुख्य गांव सियावा में कर वसूली के लिए सेना भेजने का निर्णय लिया। राज्य और अंग्रेजों की सेना ने इस गांव पर 12 अप्रैल 1922 को आक्रमण कर दिया और इस सैनिक कार्रवाई में अनेक गिरासियों की जानें गईं। फौज ने अपने घर, अनाज, पशु जलाकर उनको भारी नुकसान पहुंचाया। इसके बाद भी सैनिक अभियान जारी रहा और 15 मई 1922 को सेना ने बलोरिया गांव पर आक्रमण किया। इस गांव का बहुत बड़ा भाग जला दिया। इसमें 11 आदिवासियों की जाने गईं। 6 मई को भूला और नवावास नामक गांव को सैनिक आक्रमणों का शिकार होना पड़ा। इन गांवों की अधिकांश झोपड़ियों को जलाकर राख कर दिया गया। तो किस तरीके से, देखिए, आदिवासियों पर दोबारा से अत्याचार होने लगा सिरोही में। सिरोही राज्य और अंग्रेजी सेना की संयुक्त कार्रवाइयों ने भीलों और गिरासियों का मनोबल तोड़ दिया। ऐसी स्थिति में भूला, नवावास और क्लोलिया व अन्य प्रभावित गांवों के आदिवासी मुखिया सिरोही के दीवान पॉलिटिकल ऑफिसर से 11-12 मई 1922 को मिले, एक ही की शपथ तोड़ने हेतु सहमति व्यक्त की। इन अधिकारियों के समक्ष आदिवासी मुखियाओं ने एक ही आंदोलन की निंदा करते हुए इससे अपने आप को अलग घोषित कर लिया। इस प्रकार सिरोही के आदिवासी आंदोलन को सत्ता पक्ष द्वारा कुचल दिया गया। अधिकारियों की मान्यता थी कि आदिवासियों ने एक ही आंदोलन को किसी राजनीति के तहत स्थगित कर दिया है एवं इस आंदोलन के पुनर्जीवित होने की पूर्ण संभावना है। अतः दीवान और अधिकारियों ने सिरोही के शासक को सुझाव दिया कि आदिवासियों को कुछ कुछ छूट और सहूलियत देकर ही पूर्णतः शांति स्थापित की जा सकती है। अब इनको ये भी पता होता है कि शांति कैसे स्थापित हो सकती है, ठीक है, लेकिन जहां तक जो भील हैं वो अशिक्षित हैं, इसका भरपूर फायदा ये लोग पहले उठा लेते हैं। मोतीलाल तेजावत ने 1923 के आरंभ में पुनः एक ही आंदोलन आरंभ करने का प्रयास किया, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। फिर भी सिरोही राज्य में भाकर, सांथपुर, पिंडवाड़ा आदि परगनों में अशांति
बनी रही। ठीक है, तो ये याद रखिए, ये परगने कहाँ के हैं, सिरोही राज्य के, भाकर, सांतपुर और पिंडवाड़ा। सन 1927 में जाकर आदिवासी पंचों ने सिरोही राज्य के अधिकारियों के साथ समझौता किया और इन परगनों में शांति स्थापित की जा सकी। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आरंभ हुआ सिरोही का आदिवासी आंदोलन सही अर्थों में 1929 में तेजावत की गिरफ्तारी के बाद ही समाप्त हो गया। उदयपुर और सिरोही राज्यों के भील और गिरासिया, अब देखिए बार बार यहाँ पर आ रहा है भील और गिरासिया जनजाति कहाँ की है, उदयपुर और सिरोही में। ठीक है, तो ये भी चीज याद रखें। 1921 से 29 के मध्य मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में अशांत बने रहे। राज्यों, जागीरदारों, अंग्रेजों ने अशिक्षित और भोले आदिवासियों पर सभी प्रकार के अत्याचार किए। इसी क्रम में सैनिक कार्रवाइयों की एक श्रृंखला आरंभ की गई जिसने आदिवासियों का मनोबल तोड़ दिया। जनवरी 1924 के पश्चात तेजावत भूमिगत हो गए क्योंकि उनकी गिरफ्तारी पर उदयपुर, सिरोही और ईडर राज्यों ने पुरस्कार घोषित कर दिया कि जो भी इनको पकड़वाएगा उसको ही पुरस्कृत किया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए वो भूमिगत हो गए क्योंकि एक नेता का रहना जो है वो बेहद जरूरी है। और यहाँ पर सैनिक कार्रवाई जो है वो की जाने लगी थी इन लोगों के ऊपर। अधिकारियों की यह स्पष्ट मान्यता थी कि जब तक तेजावत को नहीं घेरा जाएगा आदिवासी शांत नहीं होने वाले। 3 जून 1929 को ईडर राज्य की पुलिस ने खेड़ ब्रह्म नामक गांव में तेजावत को गिरफ्तार किया। इम्पोर्टेंट लाइन, 3 जून 1929 को ईडर राज्य की पुलिस ने खेड़ ब्रह्म नामक गांव में मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार कर लिया। ईडर पुलिस ने उसे उदयपुर राज्य को सौंप दिया जहां उनके विरुद्ध जो है आपराधिक मुकदमा चलाया गया। सन 1936 तक इसमें कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ और तेजावत को जेल में ही रखा गया। उन्हें 3 अप्रैल 1936 को जेल से इस शर्त पर रिहा किया गया कि वह कोई आंदोलनात्मक कार्य नहीं करेंगे और उदयपुर राज्य की अनुमति के बिना उदयपुर शहर के बाहर नहीं निकलेंगे। उदयपुर राज्य ने उनके गुजारे के लिए 30 रुपये प्रति माह का भत्ता जो है स्वीकृत किया। पुनः उन्हें जनवरी 1945 में बंदी बना लिया गया जब उन्होंने भूमट क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश की। उसे फरवरी 1947 में जेल से रिहा किया गया। अब पढ़ने में सारी चीजें जो हैं बहुत आसान लगती हैं, ठीक है, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आराम से पढ़ के हमें ये पता लगा कि हाँ, जिस तरीके से जो गोविंद गिरी थे उनको भी कुछ क्षेत्र जिसमें हमने देखा था कि सूंथ, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ और ईडर, इन राज्यों में प्रवेश नहीं करेंगे, ऐसा ही जो है उनके साथ शर्त तो रखी गई थी। ठीक है, अब यही चीज जो है मोतीलाल तेजावत के बारे में जो है एग्जाम में आ जाए, ठीक है, तब वहां कंफ्यूज हो जाएंगे कि मोतीलाल तेजावत थे या गोविंद गिरी थे। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर मोतीलाल तेजावत जो है, जो कि उदयपुर जो राज्य है, उदयपुर जो शहर है उसके आसपास जो है वहां नहीं भटकेंगे, ये याद रखिए। जबकि गोविंद गिरी जो कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ और ईडर राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, ऐसा उनके लिए शर्त रखी गई थी। ठीक है, चलिए अगला देखिए, मीणा आंदोलन 1851 से 1860। तो ऊपर जो हमने देखा कि मोतीलाल तेजावत जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और मेवाड़ यानी उदयपुर में, सिरोही में, यहाँ पर कुछ जो है छूट दे दी गई करों में और इसे जो है शांत आंदोलन को शांत कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए मीणा, मीणाओं ने भी विद्रोह किया। नई भूमि और राजस्व व्यवस्था के प्रति अपना रोष प्रकट करने के लिए 1851 में उदयपुर राज्य के जहाजपुर परगने के मीणाओं ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ पर बन रहा है कि मीणा विद्रोह जो है कब किया गया। तो 1851 ईस्वी में उदयपुर राज्य के जहाजपुर परगने के मीणाओं ने सबसे पहले किया। इस क्षेत्र की मीणा जाति पर्याप्त रूप से किसी भी राजनीतिक सत्ता से मुक्त थी, केवल महाराणा मेवाड़ की प्रतीकात्मक सत्ता स्वीकार करते थे। कर्नल टॉड ने इनका जीवन जीवंत विवरण प्रस्तुत किया जो उपयुक्त तथ्य को सिद्ध करता है। ये अंग्रेज ही थे जो इस क्षेत्र पर उदयपुर राज्य का कठोर नियंत्रण स्थापित कर सके। ब्रिटिश शासित अजमेर प्रांत के समीप स्थित इस मीणा क्षेत्र पर राज्य की सत्ता स्थापित हो सकी थी। वास्तव में अंग्रेज आदिवासी समुदाय के प्रति पूर्वाग्रहों से ग्रसित थे।
इसीलिए अंग्रेज इन लोगों के साथ बड़ी कठोरता का व्यवहार करते थे। 1820-21 में अंग्रेजों द्वारा मेरों के दमन से मीणा समुदाय के लोग भली भांति जो है परिचित थे। तो 1820 से लेकर और 1821 तक अंग्रेजों द्वारा मेरों के दमन से जो है मीणा समुदाय के लोग जो है भली भांति परिचित, इनको पता था कि अंग्रेजों ने जो है मेरों को किस तरीके से उनका जो है दमन किया था। तो इसी वजह से जहाजपुर क्षेत्र के जो मीणा समुदाय और अंग्रेज अधिकारियों के मध्य जो है विरोध अस्तित्व में आया। मीणा और भीलों के विद्रोह केवल अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं थे, बल्कि वे संबंधित जो रियासत थी उनके विरुद्ध भी थे, जिनके माध्यम से अंग्रेज जो है वो अपनी नीतियों का क्रियान्वित कर रहे थे। ठीक है, तो ये लोग अंग्रेजों से तो परेशान ही थे, इसके साथ साथ किससे परेशान थे, ये यहाँ के जो शासक जो नए तरीके से जो है नई भूमि और राजस्व व्यवस्था जो है उसके प्रति जो है मीणा विरोध कर रहे थे। ठीक है, तो दोनों से ही परेशान थे, अंग्रेजों से भी और वहां के नई व्यवस्थाओं से। महाराणा मेवाड़ ने 1851 में जहाजपुर परगने में नया हाकिम नियुक्त किया। नव नियुक्त हाकिम कौन है, मेहता रघुनाथ सिंह, परगने से धन कमाने में व्यस्त था। उसने अपना ध्यान मुख्य तौर पर परगने की आय में वृद्धि और खर्चे में कमी पर केंद्रित किया। प्रशासनिक सुधारों के नाम पर जनता से धन वसूली की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बहुसंख्यक मीणा समुदाय ने विप्लव का रास्ता अपनाया। विद्रोही मीणाओं से ने न केवल राजस्व अधिकारियों व सूदखोरों का लूटा, बल्कि समीप स्थित अजमेर मेरवाड़ा के अंग्रेजों के प्रांत पर भी धावे मारे। अंग्रेज अधिकारियों की शिकायतों के आधार पर महाराणा ने हाकिम का स्थानांतरण कर मेहता अजीत सिंह को विद्रोही मीणाओं के दमन के कठिन कार्य को पूरा करने के उद्देश्य से हाकिम नियुक्त किया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पहले जो हाकिम कौन था, मेहता रघुनाथ सिंह था, बहुत ज्यादा लूटपाट कर रहा था। उसका उद्देश्य था परगने की आय को बढ़ाना और खर्चे में कमी जो है उसको कंट्रोल करना। तो यहां तक कि उसने अंग्रेज अधिकारियों को भी नहीं छोड़ा। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ के महाराणा ने हाकिम जो है उसको बदल दिया। अब नया हाकिम बनता है मेहता अजीत सिंह, इसको भी यही कहा कि जो विद्रोही मीणा है उनका दमन जो है वो करे। वह उदयपुर से एक सेना लेकर रवाना हुआ। इसके साथ शाहपुरा, बनेड़ा, बिजोलिया, भैंस रोड, जहाजपुर, मांडलगढ़, यहाँ के जागीरदारों की सेनाएं जो है सम्मिलित थी। इनके अतिरिक्त भीम पलटन और एकलिंग पलटन के सिपाही दो तोपों सहित इस सेना के साथ जोड़े गए। एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपूताना के कहने पर जयपुर, टोंक, बूंदी राज्यों ने अपने राज्य की सीमाओं पर चौकसी पक्की कर दी, जिससे जहाजपुर के मीणाओं को अन्य राज्यों के मीणाओं द्वारा सहायता और समर्थन की संभावना जो है इसको भी समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ का जो एजेंट टू गवर्नर जनरल था, AGG, तो इसने राजपूताना के कहने पर जयपुर, टोंक और बूंदी राज्यों ने अपने राज्य की सीमाओं पर चौकसी पक्की कर दी। ठीक है, और इस वजह से जहाजपुर के मीणाओं को अन्य राज्यों की मीणाओं से कोई भी हेल्प मिलना बंद हो गई। उदयपुर की सेनाओं ने छोटी लोहारी और बड़ी लोहारी नामक गांवों पर जो है आक्रमण किया, जो मीणा विद्रोह के मुखियाओं के गांव थे। तो सेनाओं ने दोनों ही गांवों को नष्ट कर दिया। मीणा सब परिवार मनोहरगढ़ देवखेड़ा की पहाड़ियों की ओर भागे। वहां उन्होंने रक्षात्मक स्थिति प्राप्त कर ली। इसी बीच जयपुर, बूंदी, टोंक राज्यों से तमाम प्रतिबंधों के उपरांत भी लगभग 5,000 मीणा जो है जहाजपुर के मीणाओं की सहायता के लिए पहुंच गए। उदयपुर की सेनाओं ने भरसक प्रयत्न किए, लेकिन सघन झाड़ियों और पहाड़ी प्रदेश के कारण सैनिक कार्रवाई में उन अनेक रुकावट उत्पन्न हो रही थी। इसीलिए इन सेना को कोई सफलता नहीं मिली। राज्य सेना के लगभग 57 सिपाही इस अभियान में मारे गए। दिसंबर 1854 में एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपूताना, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट और हाड़ोती का पॉलिटिकल एजेंट संयुक्त रूप से सेना सहित जहाजपुर पहुंचता है। देखिए बिल्कुल कहानी जो है चल रही है। ठीक है, जहाजपुर और इटौदा में 1 महीने तक रुके। जनवरी 1855 के अंत तक मीणा विद्रोही इस सेना के समक्ष आत्मसमर्पण के लिए बाध्य हो गए। भविष्य में मीणाओं का सामना करने के उद्देश्य से फरवरी 1855 में जयपुर, अजमेर, बूंदी, मेवाड़ की सीमाओं पर स्थित देवली, यहाँ एक सैनिक छावनी स्थापित हुई। मीणाओं पर नियमित निगरानी रखने के उद्देश्य से छावनी के आसपास पुलिस थाने भी स्थापित किए गए और इस प्रकार मीणाओं का विद्रोह जो है दबाया जा सका। तो जहाजपुर के जो मीणा थे उनके लिए
कोई भी मीणा जो है आगे आकर जो है उनकी हेल्प ना करे, ये तो इन्होंने पहले ही कर दिया था। इसके अलावा जो सेना थी इसने जो है कई गांव जो थे उनको नष्ट कर दिया था, जहां मीणा विद्रोह के जो मुखिया जो थे उनके वो गांव थे। ठीक है, वहां से वो भाग जाते हैं जो मीणा और मनोहरगढ़ और देवघेड़ा की पहाड़ियों जो है वहां अपनी रक्षा करते हैं। ठीक है, और जयपुर बूंदी टोंक राज्यों में तमाम प्रतिबंधों के बाद भी 5,000 जो मीणा हैं वो जहाजपुर के मीणा की हेल्प करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो अब यहाँ पर सैनिक कार्रवाई में जो है अनेक रुकावटें उत्पन्न हो रही थी इस वजह से, तो इस सेना को कोई सफलता नहीं मिली और राज्य के लगभग 57 सिपाही जो इस अभियान में मारे जाते हैं। फिर यहाँ 1854 में एजेंट टू गवर्नर जनरल जो है मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट, हाड़ौती का पॉलिटिकल एजेंट, ये सारे मिल जाते हैं और जहाजपुर पहुंच जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जबरन जो है इनको आत्मसमर्पण करना पड़ता है 1855 के अंत तक। ठीक है, और 1855 में जयपुर, अजमेर, बूंदी, मेवाड़ की सीमाओं पर देवली में एक सैनिक छावनी भी स्थापित की जाती है ताकि इनकी निगरानी जो है वो की जा सके, और इस वजह से मीणाओं का विद्रोह दब जाता है। 1855 में देवली छावनी को नवगठित अनियमित सेना का मुख्यालय बनाया गया। 1855 में मुख्यालय कहाँ बनाया गया? देवली छावनी को। ठीक है, जो 1857 से 1860 के दौरान 42वीं देवली रेजिमेंट और मीणा बटालियन के नाम से जानी जाती रही है। 1921 में 42वीं देवली रेजिमेंट और 43वीं एरिनपुरा रेजिमेंट को समाप्त कर दिया गया। तो समाप्त जो है कौन सी रेजिमेंट को किया गया? 42वीं देवली रेजिमेंट और 43वीं एरिनपुरा रेजिमेंट को। कब? 1921 में। उनके स्थान पर जो है मीणा कोर की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? 42वीं देवली रेजिमेंट और 43वीं एरिनपुरा रेजिमेंट को समाप्त करके जो है कौन सी जो रेजिमेंट उसकी स्थापना की गई? मीणा कोर की स्थापना की गई। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देवली ने इस सेना का गठन राजस्थान में आदिवासियों के प्रति अंग्रेजी नीति का विस्तार जो है विस्तार कहा जा सकता है। वास्तव में इस तरह के दमनात्मक उपायों का विस्तार आदिवासी समस्या का समाधान नहीं था, किंतु नवगठित अमानवीय, अपवित्र, औपनिवेशिक और सामंती मेल द्वारा स्थापित राजनीतिक सत्ता से और कुछ भी आशा नहीं की जा सकती थी। पुनः जनवरी 1860 में जहाजपुर के मीणाओं ने फिर विद्रोह किया। महाराणा ने 29 जनवरी 1860 को चंद सिंह के नेतृत्व में जहाजपुर की ओर एक सेना भेजी। उसने गाड़ोली, लोहारी गांवों पर आक्रमण किया। राज्य सेना ने गांवों को लूटा, आगजनी भी की। भारी संख्या में मीणाओं को बंदी बनाया गया। 6 लोगों को तोप से उड़ा दिया गया। मीणाओं पर पुलिस थानों में नियमित उपस्थिति थोप दी गई और इस प्रकार जहाजपुर का मीणा विद्रोह अंतिम रूप से नियंत्रित हो गया। तो लास्ट में आकर जो है मीणा विद्रोह जो है इसका दमन हो जाता है। ठीक है, 29 जनवरी 1860 के समय में, 1860 में जो है मीणाओं को जो है विद्रोह जो है ये क्या कर दिया जाता है? दमन कर दिया जाता है। और ये कहा जाता है कि मीणा जो है वो पुलिस थानों में रोज जो है आएंगे और यहाँ पर जो है अपने दस्तखत करके जाएंगे, अपनी उपस्थिति जो है वो बताएंगे। ठीक है, तो इनको परेशानी जो है वो होने लगी। इस प्रकार जहाजपुर का मीणा विद्रोह अंतिम रूप से नियंत्रित हो गया। तो चलिए अब हम जो है इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्न जो है करेंगे। फटाफट से जो आंसर माइंड में सोच लेना और 1 मिनट से भी ज्यादा का समय आपको नहीं लगना चाहिए क्वेश्चन का आंसर देने में। देखिए, मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ स्थित था? सोचिए, हमने ये लाइन जो है वो पढ़ी है कि जो मेरवाड़ा मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय जो है कहाँ था, सोचिए आप अपने दिमाग में। तो हमने पढ़ा था कि जो इसका मुख्यालय था मेरवाड़ा बटालियन का, ये था ब्यावर में। ठीक है, मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय कहाँ था? तो ये तो हाल ही में पढ़ा है हमने कि उदयपुर खेरवाड़ा में जो है मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय स्थापित किया गया। भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, गोविंद गिरी। एक ही आंदोलन किसने आरंभ किया? आज हमने शुरुआत ही यहां से की है, मोतीलाल तेजावत ने 1921। 1921 में देवली रेजिमेंट और एरिनपुरा रेजिमेंट को समाप्त कर किस नवीन बटालियन का गठन किया गया? तो ये तो हमने अभी जो पैराग्राफ पढ़ा था सेकंड लास्ट, तो उसी में हमने ये पढ़ा था कि यहाँ पर देवली रेजिमेंट और एरिनपुरा रेजिमेंट जो है इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और उसके स्थान पर जो है गठन किया गया था मीणा कोर। मीणा कोर की स्थापना जो है वो की गई थी। ठीक है,
तो यहाँ पर जो अंग्रेज जो थे वो अपनी ही जो पॉलिसी जो थी वो चला रहे थे, इस वजह से इन्होंने जो है इनको समाप्त करके रेजिमेंट को, और यहाँ मीणा कोर की स्थापना की गई। लघु उत्तरात्मक प्रश्न, 19वीं सदी में राजस्थान में भील विद्रोह के कारणों को रेखांकित कीजिए। तो क्या कारण रहा था भील विद्रोह का, क्यों उन्होंने विद्रोह किया, ठीक है? तो हमने डिटेल में ये चीज़ पढ़ी। भील समुदाय में हुए समाज सुधार आंदोलन में गोविंद गिरी की जो है भूमिका बताइए, किस तरीके से गोविंद गिरी ने जो है यहाँ समाज सुधार आंदोलन चलाया। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में उदयपुर प्रांत में हुए आदिवासी विद्रोह का वर्णन कीजिए। तो हमने जो एक ही आंदोलन पढ़ा तो वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से हमने जो है इस चैप्टर को पढ़ा, हमने अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न जो है वो अच्छे से कर लिए। तो चैप्टर जो है उसको दोबारा पढ़िएगा एक बार में, कोई भी चीज़ जो है वो माइंड में नहीं बैठती है एक बार, हर चीज़ जो है ऐसा लगता है कि हाँ नई है, लेकिन दोबारा जब हम पढ़ते हैं तो वो चीज़ अपनी सी लगने लगती है। और कोई भी चीज़ याद करने का समझने का तरीका यही है कि आप उसे बार बार पढ़ें। तो चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 5 के साथ। थैंक यू।